तो चलिए जल्दी से हम फेबर मंथ के करंट अफेयर्स को रैपअप करते हैं तो पहली कैटेगरी है इस मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने आर एस शर्मा को आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का सीईओ घोषित किया है और ये इसके हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को हेड करेंगे इस स्कीम के तहत गरीबों को हेल्थ केयर फैसिलिटीज दी जाती है और इसका मोटो करीबन 50 करोड़ बेनिफिशियरीज तक बेनिफिट पहुंचाना है दूसरा जय शाह को एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल को 1983 में एस्टैब्लिश किया गया था एशिया में क्रिकेट को प्रमोट करने के पर्पस से इवन एशिया कप को एशियन क्रिकेट काउंसिल ही एडमिनिस्टर करती है तीसरा जेफ बेजोस को रिप्लेस करके एंडी जेसी अमेजोन के सीईओ बने एंड्रयू आर जेसी एक अमेरिकन बिजनेसमैन है जो अमेजोन वेब सीरीज (AWS) को 2003 से ही लीड करते आए हैं अगला प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने जस्टिस पुलिकोरू वेंकट संजय कुमार को मणिपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पे अपॉइंट किया और इस रिस्पेक्ट में मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने नोटिफिकेशन भी इशू किया है यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो ने माइकल ब्लूमबर्ग को यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट इन में रीअपॉइंट किया जो काम करेंगे गवर्नमेंट्स और बिजनेसेस को साथ लाने में ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट को कम करने के पर्पज से इवन इटालियन इकोनमिस्ट बैंकर और सिविल सर्वेंट मारियो द्रगी इटली के प्राइम मिनिस्टर बने अब बढ़ते हैं अगले बहुत ही इम्पोर्टेंट कैटेगरी की तरफ जो कि है इम्पोर्टेंट अवार्ड्स की तो पहला बेलिंडा क्लार्क अवार्ड बेथ मोनी ने ये मेड इन बेलिंडा क्लार्क अवार्ड को जीता तो वही फॉर्मर कैप्टन स्टीव स्मिथ ने अपना तीसरा आलन बॉर्डर मेडल जीता है ये दोनों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अवार्ड्स के टॉप टू ऑनर्स है अगला हाल ही में हुआ एक दुनिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर कॉम्पिटिशन के बारे में है तो रॉबर्ट अरविन ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पीपल्स चॉइस अवार्ड कॉन्टेस्ट जीता रॉबर्ट एक ऑस्ट्रेलियन वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर है जिन्होंने ये अवार्ड अपने एक इमेज के लिए जीता है जिसका टाइटल बुश फायर है तो ये पिक्चर बहुत ही खतरनाक ऑस्ट्रेलियन बुश फायर को दर्शाता है अगला एयरपोर्ट्स काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड ने फेबर में कुछ एयरपोर्ट्स के नाम रिवील किए जो कॉन्स्टेंटली कस्टमर्स के साथ एंगेज रहे हैं कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के दौरान जैसे कि बैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स लिमिटेड बी आई ए एल ये रिकोगनीशन बेसिकली उन्हीं एयरपोर्ट्स को मिलता है जिन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं पैसेंजर्स की फीडबैक को हासिल करने में तो एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी प्रोग्राम की मदद से इसे लिया जाता है ताकि ये लोग अपने पैसेंजर्स को पैंडेमिक के टाइम पे अच्छे से समझ सकें नेक्स्ट साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड एस ने एस सी आर बी वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी अनाउंस किया ये अवार्ड वुमेन साइंटिस्ट को दिया जाता है उनके रिसर्च के लिए वो भी साइंस और इंजीनियरिंग के फील्ड में डॉ शोभना कपूर ने इस अवार्ड को जीता जो केमिकल बायोलॉजी के एरिया में काम करती है तो वही डॉक्टर अंतरा बनर्जी डॉक्टर सोनू गांधी और डॉक्टर ऋतु गुप्ता ने भी ये अवॉर्ड पैक किए इस कैटेगरी का अगला अवार्ड है 2020 सिटी ऑफ द वर्ल्ड हैदराबाद को 2020 ट्वेंटी ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया गया क्योंकि तेलंगाना के इस कैपिटल ने अर्बन फॉरेस्ट को मेंटेन करने में अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दिया इसमें करीबन 120 सिटीज और 63 कंट्रीज ने फीचर किया इसमें भाग लेने वाली ज्यादातर सिटीज यूएस यूके कनाडा और ऑस्ट्रेलिया से थी फॉलोइंग कैटेगरी है इम्पोर्टेंट स्पोर्ट्स की पहला अजय सिंह को बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर रियलेक्ट किया गया है जिन्होंने फॉर्मर स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र आशीष शेलर को हराया बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ओलंपिक बॉक्सिंग की गवर्निंग बॉडी है जो कि दिल्ली में हेडक्वार्टर्ड है टोक्यो ओलंपिक्स एंड पैरालंपिक्स के चीफ योशिरो मोरी अपना पोजीशन छोड़ने वाले हैं इसके पीछे का रीजन उनके कुछ सेक्सिस्ट कमेंट्स हैं जो उन्होंने औरतों के खिलाफ में कही वही नोवाक जोकोविक वर्ल्ड के नंबर वन सर्बियन टेनिस प्लेयर बने दानियल मेदवेदेव को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के फाइनल्स में जोकोविक का ये नाइंथ ऑस्ट्रेलियन टाइटल था और इसके साथ ही 19th ग्रैंड स्लैम विन भी अगला है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो कि इंडिया का लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी गेम है एंड इसका सेकंड एडिशन कर्नाटका होस्ट करने वाली है ये उन स्पोर्टिंग टैलेंट की खोज करता है जो इंडिया को इंटरनेशनल इवेंट्स में रिप्रेजेंट कर सके नेक्स्ट गुजरात में बनाया गया वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टेडियम जिसको पहले मोटेरा स्टेडियम का नाम दिया गया था अब इसका नाम बदल के नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है ये स्टेडियम सभी मॉडर्न फैसिलिटीज से इक्विप्ड है जो क्रिकेट के लिए जरूरी माना जाता है इस स्टेडियम में चार ड्रेसिंग रूम्स बनाए गए हैं ताकि बैक टू बैक ट्वेंटी ट्वेंटी मैचेस कंडक्ट कराई जा सके बढ़ते हैं अगले कैटेगरी की तरफ जो कि है इम्पोर्टेंट रैंकिंग्स की तो महाराष्ट्र ने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट को टॉप किया है 18 लार्ज और मिड साइज स्टेट्स में से इंडिया जस्टिस रिपोर्ट का ये सेकेंड एडिशन स्टेट्स को रैंक करता है उनके जस्टिस डिलीवरी स्ट्रक्चर्स के अकॉर्डिंग सेकेंड जर्मनी ने इंटरनेशनल इकोनॉमिक रेजिलियंस रैंक में टॉप पोजीशन हासिल की चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मुताबिक इंडिया जल्द इस साल का सेकेंड मोस्ट रेजिलियंट इकोनॉमी के तौर पर सामने आएगा ये रैंकिंग पांच चीजों को एनालाइज करता है रियल जीडीपी ग्रोथ रेट मर्कंडाइज एक्सपोर्ट ग्रोथ रेट अकाउंट बैलेंस जनरल गवर्नमेंट नेट लैंडिंग और ग्रॉस डेट टू जीडीपी रेशियो द इकोनॉमिक इंटेलिजेंट यूनिट्स डेमोक्रेसी इंडेक्स को नॉर्वे ने टॉप किया है और आइसलैंड स्वीडन न्यूजीलैंड कैनेडा टॉप फाइव का हिस्सा बने वही इंडिया ने फिफ्टी पोजीशन पे रैंक किया दो प्लेसेस से गिरकर। इंडिया का स्कोर इस इंडेक्स में सिक्स पॉइंट सिक्स वन है अगला इंडिया ने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में एटी सिक्स पोजिशन पे रैंक किया यानी काफी लो स्कोर किया ये इंडेक्स पब्लिक सेक्टर में हो रहे करप्शन से जुड़े एक्सपर्ट ओपिनियंस पे बेस्ड है ये इंडेक्स बारह सर्वे से प्रिपेयर की जाती है अगली कैटेगरी है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स की पहला द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट बाय दलाई लामा इसे पब्लिश किया पेंगुइन रैंडम हाउस ने इस बुक में 130 सौ कोड्स लिखे गए हैं जो पैनिक स्ट्राइक इन वर्ल्ड के रियलिटीज को फेस करने के मेजर्स से डील करता है दूसरा है ब्यूटीफुल थिंग्स बाय हंटर बाइडेन। हंटर बाइडेन जो बाइडेन के बेटे हैं एंड इस बुक को पब्लिश किया साइमन एंड स्कचर ने यह बुक ऑथर के ड्रग अब्यूज और एडिक्शन से जुड़े स्ट्रगल को पोर्ट्रे करता है अगला है एम हमिद अंसारी का बायनी आ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शन ऑफ लाइफ ये बुक की लाइफ को दर्शाता है नेक्स्ट संगीता पॉल चौधरी की प्लेटफॉर्म स्केल फॉर अ पोस्ट पैंडमिक वर्ल्ड जिसे अगेन पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने ही पब्लिश किया ये बुक कोविड नाइन्टीन पैंडमिक के दौरान हुए प्लेटफॉर्म बिजनेस मॉडल और स्टॉक मार्केट गेम से डील करता है अगला प्रियंका चोपड़ा जॉनिस की अनफिनिश्ड मेमोर जिसे माइकल जोसेफ इम्प्रिंट ने पब्लिश की ये बुक प्रियंका चोपड़ा जॉनस के चाइल्डहुड और यूएसए में बिताए गए टीनेज ईयर्स को दर्शाता है फॉलोइंग कैटेगरी है इम्पॉर्टेंट इवेंट्स की तो फोर्थ फ़रवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया गया ये इवेंट कैंसर रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कैंसर के प्रिवेंशन डिटेक्शन और ट्रीटमेंट को एनकरेज करने के पर्पज से जनरली मनाया जाता है दूसरा थर्टीन फेबररी को वर्ल्ड रेडियो डे मनाया गया इस दिन को यूनेस्को ने 2011 में डिसाइड किया था जिसे 2012 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने अडॉप्ट कर लिया रेडियो को एक बहुत ही पावरफुल मीडियम समझा जाता है क्योंकि ये कई लोगों तक पहुंच बनाने में मदद करता है तो रेडियो के इसी इंपॉर्टेंस को बरकरार रखने के लिए ये दिन मनाया जाता है वही ट्वेंटी फर्स्ट को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मनाया गया इस दिन हम लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी को प्रमोट करते हैं पूरी दुनिया में ढेरों लैंग्वेजेस हैं, तो सभी लैंग्वेजेस को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना इस दिन को सेलिब्रेट करने का मोटो है अगला सेंट्रल एक्साइज डे ट्वेंटी फोर्थ फेब को हर साल इंडिया में मनाया जाता है इसे सेंट्रल एक्साइज एंड सॉल्ट एक्ट 1944 के एनाकमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है नेक्स्ट 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे मनाया गया रमन इफेक्ट के डिस्कवरी को सेलिब्रेट करने के लिए जिसे इंडियन फिजिशिस्ट सर सीवी रमन ने डिस्कवर किया था अब फॉलोइंग कैटेगरी है इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की पहला गवर्नमेंट ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस स्कीम के तहत चौदह नए माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को मार्केटिंग मेकेनिज्म में इंक्लूड किया है इस नए मेकेनिज्म के तहत ट्राइबल लोगों को उनके प्रोड्यूस जैसे कि ड्राई मशरूम्स या फिर के बदले में फेर और अच्छे मिलेंगी मिनिमम सपोर्ट प्राइस को पहली बार वीट के लिए 1966-67 में इंट्रोड्यूस किया गया था दूसरा यूनियन बजट 2021 प्रेजेंट करते वक्त फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक पोर्टल लॉन्च का अनाउंसमेंट किया था ये पोर्टल गिग इकोनॉमी वर्कर्स के लिए एक सोशल सिक्योरिटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा गिग इकोनॉमी एक ऐसे मार्केट सिस्टम को बोलते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस इंडिपेंडेंट वर्कर्स को शॉर्ट टर्म कमिटमेंट देकर हायर करती है जैसे कि फ्रीलांसर्स या फिर पार्ट टाइम एम्प्लॉयज नेक्स्ट एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जल शक्ति रतन लाल पेट्रोलियम धर्मेंद्र प्रधान और एनिमल हजबेंड्री मिनिस्टर गिरिराज सिंह ने एक साथ वेब पोर्टल लॉन्च किया है ये वेब पोर्टल गोवर्धन एक्टिविटीज के प्रोग्रेस की देखरेख करेगा गोवर्धन स्कीम स्वच्छ भारत मिशन फेज टू का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा है जो ऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से डील करता है ये स्वच्छ भारत मिशन फेज टू ओपन डेफिकेशन से छुटकारा पाने के एजेंडा पर फोकस्ड है हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और जोमैटो ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पीएम एस निधि स्कीम के तहत एक एम को साइन किया है इस एम के मुताबिक ये लोग सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स को जोमैटो प्लेटफॉर्म पर लाएंगे जिससे कि ये सभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स हजारों कंज्यूमर्स तक अपनी पहुंच बना सके अगला यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन ने इंटेंसिव मिशन इंद्रधनुष आईएमआई 3.0) को लॉन्च किया इस मिशन का ऑब्जेक्टिव है प्रेग्नेंट लेडीज और बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड करना वो भी वैक्सीन की मदद से उनके हेल्थ को बेहतर करने के लिए तो ये तो हो गए फेबर मंथ के करंट अफेयर्स ऐसे ही और भी इंफॉर्मेशन पाते रहने के लिए आप हमारे करंट अफेयर्स करंटर्स के कोर्स को एनरोल कर सकते हैं जिसमें आपको इजी फॉर्मेट में और कैटेगरी वाइज करंट अफेयर्स मिलेंगे तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो ऐसे ही और भी कई अपडेट्स पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा थैंक यू बाय